ये क्या है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ये पीछे भी है, सिर पे भी बटरफ्लाई। ये असली वाली है क्या? और नीचे भी बोले बटरफ्लाई, पूरे बटरफ्लाई, खुद भी बटरफ्लाई। और उसे मिलाई ओरियो से? क्यों? तो गौरा की ट्यूशन यहीं पे ही, हमारी गली के बगल में। जब भी आती है ओरियो से मिलने जरूर आती है हमारे घर में, आते हुए भी और जाते हुए भी। तो फिलहाल एडिटिंग कमीशन वर्क, बिकॉज जो हमारे क्लाइंट हैं उनको ओनली ड्राइंग नहीं चाहिए, उनको वीडियो भी चाहिए, टाइम लैप्स। क्या कर रहा है ये? जगह नहीं है यहाँ पे, जबरदस्ती घुस रहा है। बाय द वे आज नहाया नहीं, तो मैं भी नहाऊंगा थोड़ी देर में, फिर आपसे मिलूंगा। वीडियो मुझे अर्जेंट देनी है ना, तो उठते ही मैं वीडियो पे बैठ गया था। अरे क्या हो गया? तो भी मैं इसके साथ में खेल रहा था और इसने मेरे कान की, देखो बाली निकाल दी है, कान खींच दिया तेज से, कट जाता मेरा कान इससे, बाली से है। और ये ऐसे काम करोगे? नहीं नहीं नहीं। और ये उधर देखो, अभी वीडियो बन रही है, आराम से बैठते, आराम से बैठने वाला नहीं मैं, देखता हूँ वीडियो में। काफ़ी डॉग्स आराम से बैठे रहते, जा जाना है, जा जा, कैसे जाएगा नीचे, जा जा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, गिरेगा गिरेगा। कह रहे नीचे उतारो मुझे, तभी भौंक रहा है। बाय द वे आज इसके दोनों कान खड़े हो चुके हैं, इसको मेरा स्टूडियो पसंद नहीं है, कभी नहीं आता ये, अगर नीचे रख देना सीधा बाहर भाग जाएगा। होपफुली इसको ऊपर वाला स्टूडियो पसंद आएगा। चलो छोड़ देता हूँ नीचे ही, जा। आज मेरे वाला काम है, बाली वाला। देख भाग गया ना बाहर, अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है, सरोदा के पास तो आता ही नहीं है। सो राइट नाउ इट्स 4:43 और अभी मैं मार्केट से आया हूँ और कुछ सामान लेके आया अपने नए स्टूडियो का, जो कि इन दो बॉक्सेस में है। तो चलो ओपन करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इस बॉक्स में है एडजस्ट फैन। सो ये कुछ इस तरह का वाइट कलर का लिया है मैंने, ताकि वाइट वाइट मैच हो जाए। देखो इस वाले बॉक्स में है फैन, ऊपर वाले, तो दिखाता हूँ कैसे डिजाइन के लिए। मैं भैया आप पीछे हो जाओ थोड़ा, ये बताने क्या है, डंडा आर्टवर्क्स भेजने के काम आएगा, तेल वेल। तो इसकी पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ ही बोलते हैं क्या, पंखुड़ियाँ अलग है, दिखाता हूँ मैं। थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का फैन लिया मैंने, क्योंकि एक ही बार तो लेना होता है और अच्छा स्टूडियो बन रहा है तो ले लेते हैं। मजाक कर रहा था गाइस, ये देखो बीच में वुडन सा है, ये काफ़ी बड़ा है, नॉर्मल इससे तो डबल है। इसकी पंखुड़ियाँ दिखा देता हूँ यार, पंखुड़ियाँ ही बोलते हैं क्या, मैं सॉरी अगर गलत हूँ। और जो ये गत्ता है ना, कमीशन वर्क भेजने के काम आएगा। सो देखो कुछ इस तरह का है, इस तरह का फैन हमारे स्टूडियो में लगेगा। सो अब मेरे पास एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है इस डब्बे में, और वो सरप्राइज है ये। इसमें मैंने इसलिए डलवाया था ताकि साहिल को बिल्कुल भी शक ना हो, बिकॉज साहिल के लिए मैं लेके आया नया फ़ोन, Redmi Note 9 Pro Max। सुन तो नहीं लिया किसी ने, तो अभी सिर्फ पापा जी और मेरे को पता है, क्योंकि उसको चाहिए था यार फ़ोन। तो चलो छत में चलते हैं, छत में जाके अच्छे से बात करता हूँ मैं आपसे। सो गाइस बात ऐसी है कि साहिल को चाहिए था एक फ़ोन, बिकॉज अभी जो वो यूज़ कर रहा है वो 2 साल पुराना है, Redmi का Note 5 है शायद, जो कि पूरा टूट फूट चुका है, क्रैक व्रैक आ चुके हैं, पूरा हैंग होता है। तो मैंने उसको बोला भी था कि मैं तेरे को एक नया फ़ोन दिलाऊंगा, क्योंकि उसने जब मेरा मैंने अपना स्टूडियो बनाया तो उसके मैंने चलो उसको गिफ्ट करते हैं, उसका बर्थडे भी आने वाला है, पहले मेरा आएगा उसका बाद में आएगा। बट मैं आज ही ले आया उसके लिए फ़ोन, बिकॉज वो बोल ही रहा था, बट अभी उसको पता नहीं है। तो अभी उसको नहीं पता है कि मैं उसके लिए फ़ोन ले आया हूँ, ओनली पापा जी मेरे को पता, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है उसका, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि मतलब आप लोगों की वजह से मैं अपने मतलब फैमिली वालों के लिए बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, अपने लिए मैंने बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो अभी थोड़ी देर में कुछ सीन क्रिएट करेंगे और फिर मैं उसको फ़ोन दूंगा और उसका रिएक्शन देखेंगे। कौन है? ना पीयूष के लिए नहीं खोलता मैं। चाप हो और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं अपने स्टूडियो में कब शिफ्ट होऊंगा। तो कल काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आज सारा सामान आ चुका है, एसी भी मैं देख के आ चुका हूँ, और जनरल का हैवी ड्यूटी 1.5 टन। हंस क्यों रहा है? नहीं कल पक्का, आज देख के आया हूँ, मैं फाइनल करके आया हूँ। इसके लिए बहुत इजी हो रहा है, बट 50-60,000 की चीज़ लेने से पहले अच्छे से देखना पड़ता है यार, पता करना पड़ता है। कह रहा है रोज़ रोज़ यही बोलते हो, ला रहा है। कोई नहीं, कल पक्का लाऊंगा ना, तब आपको दिखाऊंगा। भर के दिया जा रहा है, डॉक्टर ने मना किया था कि दूध नहीं देना, उसके फर खराब हो जाएंगे, फर पड़ेंगे। मम्मी नहीं मान रही, मम्मी का तो मतलब छोटा बच्चा है, दूध देना। सो गाइस बात ऐसी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं उसको दे ही देता हूँ। ये जो एडजस्ट फैन का है ना, तो मैंने बोला कि इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर डाल दिया मैंने। तो अभी साहिल को बुलाया, पीयूष को बुलाया, तो चलो
मैं साहिल को ही बोलूँगा कि इसके अंदर से निकाली हो एजेश फैन को, तो वो एकदम से निकालेगा तो उसका रिएक्शन देखेंगे। मतलब मैं सोच के इतना अच्छा लग रहा है ना, मैंने लास्ट ईयर मम्मी जी को फ़ोन गिफ्ट किया था, अब साहिल को कर रहा हूँ। पीयूष के पास तो है ही नहीं फ़ोन, पीयूष को भी देंगे भी नहीं, अभी पीयूष छोटा है काफ़ी। अम्मा आ चुकी है। अम्मा ये क्या है? हैं पंखा। हाँ अम्मा ने सही गैस किया, पंखा है। अभी अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। अम्मा आपको पता है, अम्मा आपको पता है कितने कितने का है? नहीं जा, कहाँ से? नहीं पता। क्यों? 19,000। 19,000 का है? अच्छा। तभी तो अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा। नहीं तो वो पंखे लाया था, वो क्यों नहीं किए? हाँ। ये वाला 19,000 का पंखा। सबको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। थोड़ा पास आके कैमरे में बोल दो कुछ। मेरा हमारा सौरभ ने इतनी मेहनत की तब ये एक पैसा इसको मिल रहा है। एक पैसा एक ही चेहरा फिर, मतलब एक पैसा, मतलब ये तो एक रुपया से भी कम हो गया, एक रुपए का 100वां हिस्सा। तभी एक तो पैसा, इसको एक पैसा मिल रहा है। ने इसकी इतनी वक्त की खूब बड़ाई की, इसकी वीडियो देख रहे हो, नहीं तो घर बैठ के क्या मिलता है, सब ये आप लोगों की कृपा है। पतंग वाले भी आ चुके हैं बगल वाली छत पे, अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। नया फैन लाया हूँ, हाँ एडजस्ट फैन, बढ़िया वाला है ये। यहाँ नहीं आना, इतने हम चिप्स खाते हैं। लो अम्मा सबसे पहला ये आप ही खाओ। तो भाई अब हम इस फैन की अनबॉक्सिंग करेंगे मिल के, करें खोल। चाय पिए, चल चाय पी ले पहले। तो अभी चल चाय पी रहा है, मैं ये खा रहा हूँ, उसके बाद करते हैं। चिप्स काफ़ी प्यारे हो रहे हैं, प्यारे नहीं मतलब टेस्टी हो रहे हैं। देख लो गाइस हम मिल बैठ के खाते हैं, बट मैगी के लिए लड़ते हैं, मैगी के लिए। मैगी की लड़ाई तो अलग ही होती है। अम्मा भी मांग रही, अम्मा को भी दो। मेरा मुँह भर गया। ऊपर आ गया, देखो कौन ओरियो। ओरियो के दोनों कान बिल्कुल मस्त खड़े हो गए हैं। कहाँ से खोलेगा? अरे सारे तो बहुत प्रीमियम है इसमें। प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया। मेरा भाई है, बड़ा पोस्टर निकला, हीरो ही निकला। ये आया इसको लगा फैन अनबॉक्स कर रहे हैं। सबको लगा फैन अनबॉक्स कर रहे हैं। अम्मा को भी ठग दिया हमने, सबको ठग दिया, सबका सबके साथ प्रैंक कर दिया हमने। और साहिल का ये फोन अनबॉक्स कर रहा है साहिल। देख लो गाइस ये फोन है बिल्कुल नया का नया, ये देख। चाइनीज ऐप अनइंस्टॉल कर रहा है, फोन ही चाइनीज है। चलो जो भी है, मेरे फोन से बढ़िया फोन है इसका। तो बात ऐसी है, मैंने एक वीडियो में बोला था कि चाइनीज फोन नहीं खरीदने चाहिए, मैंने खुद ही खरीद के दे दिया इसको, तो मैं गलत था। अब देखो जैसे मार्केट में मिल रहे हैं, तो मार्केट में अगर बिक रहे हैं तो हमको खरीदने तो पड़ेंगे, नहीं तो फिर हमारे इंडिया वाले जो मार्केट वाले शॉपकीपर्स हैं, जो भी मतलब MI के या फिर जो भी चाइनीज़ ब्रांड है, तो उनका तो लॉस होगा, क्योंकि इंडिया में तो आ चुके हैं ना, उनके पास तो है ना, तो उनका प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर बैन ही करना है तो इंडिया में आने से बैन करना है, अगर इंडिया में आ रहे हैं तो हमको खरीदने पड़ेंगे। तो ये मेरी बात है और बस सही है, जो यही मिला, नहीं तो सैमसंग का M31S लेने वाले थे, वो मिल नहीं रहा था फिर, तो यही ले लिया। चलो कोई बात नहीं। तो अब साहिल से पूछते हैं क्या रिएक्शन है इसका, कैसा लगा? यार बहुत ही अच्छा। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। बॉक्स सुनो, बॉक्स खोलते थे साहिल को पता चला ना फोन है, इस पे मीम लग गई, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, और मीम लगने लगा। कांग्रेचुलेशन उसको बोल, इसको तरते बोल दे, उससे बोल दिया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तो ना। प्रैंक का प्रैंक हो गया, वीडियो कंटेंट बन गया, मेरी खुशी मेरे को कभी नहीं। ये जो फोन है ना, ये मेरे से भी बढ़िया है, देख लो मैंने अपने से बढ़िया फोन दिला दिया इसको। वैसे मुझे तो आईफोन लेना है, पता नहीं कब लूंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे। इसके इसमें ना वाइड एंगल कैमरा है, जिससे मैं व्लॉग भी बना सकता हूँ, तो ट्राई करते हैं। वैसे रहेगा तो साहिल के पास, बना के फुटेज दिखा देता हूँ मैं आपको कैसी है, बताना। बाकी मैं तो अभी नहीं अपग्रेड करने वाला, बिकॉज मुझे आईफोन 11 ही लेना है। नीचे क्यों नहीं रख रहे डब्बे को, छोड़ दो, क्यों पकड़ के रखा है? कहीं तो मुझे बुला रहा था ये पहली बार। दिमाग वैसे इन्होंने ये ना बिल्कुल भी गैस नहीं कर पाए, मतलब बिल्कुल भी। एक तो मेरे फेस पे हंसी नहीं थी, और मैंने थोड़ा बहुत ऐसा क्रिएट किया, इन सबको भी मैंने पागल बनाया कि मतलब 20,000 रुपये का फैन लाया हूँ मैं, तो वो एक थोड़ा सीन मैंने क्रिएट किया। और चलो अब हम व्लॉग बनाते हैं साहिल के नए फ़ोन से। सो अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ साहिल के नए फ़ोन से, तो बताना कैसी क्वालिटी आ रही है, कितना वाइड आ रहा है, और स्टेबलाइजेशन थोड़ी चल के देख लेते हैं, थोड़ा भाग के देख लेते हैं। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ बैक कैमरे से, तो फ्रंट कैमरा अच्छा है या बैक कैमरा बताना? वाइड एंगल है पूरा, सही वाइड है, वाइड सही आ रहा है, बहुत वाइड है। तो वो तो क्वालिटी जब मैं एडिटिंग करूँगा तब चलेगा पता, पीछे ट्रैक्टर चल रहा है तो बस यही सीन है। पीयूष आपको भी चाहिए फ़ोन? चाहिए?
बड़ी मम्मी का है इसके पास, बड़ी मम्मी का चलाता है, सारा दिन इसी के पास रहता है। अच्छा साहिल का पुराना वाला दिखाता हूँ मैं आपको, दिखा अब तो टिकटॉक होता है साहिल वीडियो बनाते हैं। ये देखो ये भी रेडमी है, देखो फूटा पड़ा है पूरा। आज सुबह सुबह ना जब मैंने ब्लॉग अपलोड किया उसके कुछ ही देर बाद एक प्रॉब्लम हो गई थी। तो कल मैं गया था डेंटल क्लिनिक पे, तो मैं बाइक पे गया था तो बाहर से क्लिनिक दिख रहा था, ठीक है, अंदर का नहीं शूट किया था मैंने। तो बाहर से क्लिनिक का नंबर लिखा हुआ था डॉक्टर का, तो मतलब काफ़ी सब्सक्राइबर उस नंबर पे कॉल कर रहे कि मेरी बात करा दो, मेरी बात करा दो, मतलब डॉक्टर के पास। तो फिर उसके बाद मैंने एडिट किया और फिर मैंने उस पूरे पार्ट को ब्लर किया। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे कि आपने वहाँ पे ब्लर क्यों किया, ब्लर किया, मतलब मैं क्लिनिक में गया हूँ, वहाँ पे जरूरी थोड़ी ना है कि वो मेरे को जानते हैं, आप वहाँ पे जाके कॉल करोगे। ऐसे तो मैं 100 जगह जाऊँगा, पता नहीं मैं और कहाँ कहाँ जाता हूँ। वो डॉक्टर तो मेरे जान बचाने के थे इसीलिए उन्होंने बोल दिया, बाकी और मैं इतनी शॉप्स पे जाता हूँ तो वहाँ पे नंबर दिखता ही है। मैं बिल्कुल रॉ व्लॉग बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, नंबर आ रहा है किसी का या फिर कुछ ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाके फ़ोन करोगे। तो डॉक्टर ने कहा सुबह से मेरे पास इतनी सारी कॉल्स आ गई हैं, तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा यार क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर मैंने जाके देखा तो व्लॉग में नंबर दिख रहा था बाहर से, ऑब्वियसली अब क्लिनिक के बाहर नंबर तो लिखा ही होता है। सो गाइस ऐसे मत किया करो, मैं कहीं भी जाऊँ तो ऐसे किसी को डिस्टर्ब मत किया करो, मतलब डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा आपने। ऐसे ना मैं भी बिल्कुल रॉ खुल के व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, मैं डर डर के कुछ वीडियो बनाऊँगा, क्या शूट करना है क्या नहीं करना, बिल्कुल रॉ चाहता हूँ, जो जहाँ जा रहा हूँ जो कर रहा हूँ अच्छे से आपको दिखाना, तो वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा डर सा लगेगा। और मान लो अगर आपकी मेरे से कहीं से बात हो भी गई तो क्या हो जाएगा उससे, मतलब मैं क्या हूँ, मैं खुद को ही समझ में नहीं आता। मैं आई एम जस्ट ए सिंपल गाय गाइस लाइक यू, तो इतना कुछ मत समझा करो मुझे। और फिर भी अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाएंगे, मैं डे रख लूँगा कि इस दिन आएंगे तो तब कर लेंगे, या वहाँ पे आप वीडियो कॉल कर लेंगे। तो आई होप गाइस आप समझ रहे होगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ ऐसे मत करना, अगर बुरा लग रहा हो तो माफ़ कर देना, समझो हमारे दिल की बात को, समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये हमारा काम है, इसमें हमको इस तरह से अगर बाधाएँ आएंगी तो अच्छा नहीं रहेगा, काम नहीं किया जाएगा मुझसे। गुड मॉर्निंग गाइज, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो आज व्लॉग बहुत लेट हो सकता है बिकॉज लाइट नहीं है, मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ तो 5 बजे से लाइट ही नहीं है, एडिटिंग भी नहीं हुई है मेरी क्योंकि लैपटॉप में चार्जिंग चाहिए, तो वेट कर रहा हूँ लाइट आने का। और अभी टाइम हो गया है, अभी 6:30 हो गए हैं, तो 8 बजे व्लॉग नहीं आ पाएगा बिकॉज अभी एडिटिंग नहीं हो पाया। सुबह से 5 बजे से मैं छत में आके बैठा हूँ, तो देखते हैं कब लाइट आती है, कब मेरा व्लॉग एडिट होता है और अपलोड होता है। इन्वर्टर भी खराब हो रखा है। खराब नहीं हो रखा, इन्वर्टर भी ख़त्म हो रखा है। तो क्या कर रहे थे? हमारे इन्वर्टर में एक ही बैटरी है ना, तो उसमें 2 लगवाएंगे और ऊपर भी मेरे को इन्वर्टर लगवाना है अपने रूम में। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें गाइस, व्लॉग लेट हो रहा है लाइट की वजह से। मेरा काम सारा कंप्लीट है, व्लॉग बनाया था मैंने, बस एडिट नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा लेट आएगा तो एडजस्ट कर लेना। 8 की जगह 10 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाइट की वजह से मैं रुक रहा हूँ। चलो जो भी है, फिलहाल मैं इसको एंड करता हूँ बिकॉज मैंने अभी तक एंड ही नहीं किया व्लॉग को। तो हाँ, आई होप आपको पसंद आया होगा बिकॉज मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर दूँगा ना, तो आया तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब की जाना, और लेट हो गया इसलिए सॉरी। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अबे यार कभी तो मार दिया करो।